में कोरोना काल में आम जन के रहनुमा बनकर सरकार के प्रबंधों पर सवाल खड़े करने वाले पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 32 साल पुराने एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर मधेपुरा ले जाया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पटना के गांधी मैदान के सामने सुबह से जमा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पप्पू तुम मत घबराना, तेरे साथ है सारा जमाना के नारों के बीच स्थिति पर नियंत्रण के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। पप्पू यादव को किडनैपिंग के 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह केस मधेपुरा के कुमारखंड थाने में दर्ज था। अपनी गिरफ्तारी पर बोले पप्पू यादव, नीतीश धैर्य की परीक्षा ना ले, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव कर मरवाना चाहते हैं। याद रहे कि पप्पू यादव बिहार में घूम घूम कर अव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी वह छपरा के अमनौर पहुंचकर सांसद राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी एम्बुलेंस का मामला उठा दिया, फिर पटना के शमशान घाट पहुंचकर शवों की गिनती करने लगे। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज सुबह उनके घर पहुंचकर पहले खबर आई कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। बाद में उन्हें गांधी मैदान थाने में ले जाकर रखा गया। पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव सुबह के समय पीएमसीएच के कोविड वार्ड में गए थे। पप्पू यादव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था, किंतु शाम होते होते मधेपुरा पुलिस आ गई। पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा के कुमारखंड थाना कांड संख्या 9/89 दर्ज था, जिसको लेकर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिलने लगा है। कोई इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो कोई इनके समर्थन में सड़क पर उतर आया है। कोरोना से निपटने में बिहार सरकार की कोताही पर बार बार सवाल खड़े करने वाले पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। उन्हें सरकार के मंत्री मुकेश सहनी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का भी साथ मिला है। भाजपा के तेज तर्रार MLC रजनीश कुमार ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी ट्वीट कर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता को आमजन की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। पूर्व मुख्यमंत्री व हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जन आक्रोश होना लाजमी है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में राज्य सरकार खुद फेल है, लेकिन जो कुछ लोग मरीजों की सेवा में उतरे हुए उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। बिहार के पूर्व सांसद और जाप प्रमुख पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव सुबह के समय PMCH के कोविड वार्ड में गए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुन के उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी। बीते सोमवार को भी पप्पू यादव PMCH गए थे। पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बिहार में कोरोना काल में आम जन के रहनुमा बनकर सरकार के प्रबंधों पर सवाल खड़े करने वाले पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 32 साल पुराने एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर मधेपुरा ले जाया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पटना के गांधी मैदान के सामने सुबह से जमा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पप्पू तुम मत घबराना, तेरे साथ है सारा जमाना के नारों के बीच स्थिति पर नियंत्रण के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। पप्पू यादव को किडनैपिंग के 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह केस मधेपुरा के कुमारखंड थाने में दर्ज था। अपनी गिरफ्तारी पर बोले पप्पू यादव, नीतीश धैर्य की परीक्षा ना ले, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव कर मरवाना चाहते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिलने लगा है। कोई उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में सड़क पर उतर आया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पटना से मधेपुरा जेल में जाने के दौरान हाजीपुर पासवान चौक पर पप्पू यादव के समर्थकों ने गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया। प्रशासन की स्कॉट गाड़ी के बोनट पर चढ़कर पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और बिहार के हर एक आपदा की स्थिति में बिहार के मसीहा को जेल में बंद करने की साजिश को लोगों ने नीतीश सरकार की उल्टी
गिनती शुरू हो गई। ठीक है ना भैया, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। पेट में अगर रोटी देता है तो पप्पू यादव, कभी अगर मर रहा है तो उसमें पप्पू यादव, रेमडेसिविर की जरूरत होती है तो पप्पू यादव। और यह सरकार 32 साल पुराना केस, जिस केस का आता पता नहीं, अब ये तो कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठ रही है कि जो 32 साल में आपने केस फाइनल नहीं कर पाए, आज उस पे उनको जेल भेजा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नीतीश कुमार कुकर्मी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को। आपने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया और हिंदुत्व को ही दबाया जा रहा है। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है? यहाँ इंसानियत और इंसानियत को संसार किया जा रहा है। यहाँ रोकने का क्या कारण था? क्या अगर मेरे भगवान को आ जाएगा, साहबुद्दीन जी को कोरोना पॉजिटिव करके मार दिया गया, लेकिन अगर यह मेरा निगेटिव होकर के यहाँ है पप्पू यादव, अगर गलती से भी पॉजिटिव करके मारने की साजिश अगर रचते हैं नीतीश कुमार, तो याद रखिएगा बिहार आग के तप पे जलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। यह जनता की आवाज है। मैं याद रखिएगा यह आवाज पूरे भारत में गूंजेगी। आज हम अकेला नहीं है, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। कल यह लाख होगा, करोड़ों होगा, सड़क पे उतरेंगे। याद रखिएगा नीतीश जी, बचाने वाला नहीं मिलेगा, भागने के लिए रास्ता नहीं होगा आपको। आप लोग गाड़ी पर चढ़ गए थे, क्या करेंगे? भगवान को, मेरा मानव मैं हूँ, भगवान को बचाने के लिए क्या कर्म करना होगा मैं करूँगा। अपनी जान त्यागनी पड़ेगी तो मैं त्यागूंगा। एक मसीहा है सिर्फ बिहार में, अगर गरीब को बचाने के लिए, 100 गरीब को बचाने के लिए एक जान जानी पड़े तो देने के लिए हम त्याग है, त्याग देने के लिए त्याग है। कार्यकर्ता गाड़ी के नीचे भी आ गए थे। वो दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी नहीं थी, वो गरीबों के कुचले वाला वो रोड रोलर था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये प्रशासन सिर्फ मुख्य दर्शक है। कभी आपने देखा है क्या? आप पत्रकार जी बताइए, किसी हाजीपुर में एक जगह प्रशासन मिल जाए जो गरीबों को रोटी खिलाता हो, बताइए हमें। कहाँ कहाँ रोटी दिया जाता है, कहाँ मेडिकल की सुविधा है, सारी जगह ऑक्सीजन की कमी है। है हिम्मत? सारा लंग अभी पटना पीएमसीएच एम्स में सारे जगह लंगर चलाया जा रहा था, सबको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गरीब को रोटी दिया जा रहा है। इसलिए क्या डर आपको लग गया? कोरोना के बाद भी आप कर सकते थे, क्या हो गया, क्यों डर गए आप? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।